हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका पेपर हुआ सीईटी मेंस ग्रुप 56 और 57, उसी को लेकर अपडेट हैं। ये सीईटी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये बीजेपी सरकार रहेगी, ठीक है। अगर ये सरकार बदलती है तो ही सीईटी का कुछ हल हो सकता है, वरना नहीं होगा। यहाँ पर ये आपकी गलतियाँ या फिर और बहुत सी चीज़ें लेकर बैठ जाएंगे, अपने ऊपर नहीं बोलेंगे जो इन्होंने गलती की है। पेपर सेट करने वाली एजेंसी तलब ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी, मतलब जिसने पेपर बनाया उसने 41 क्वेश्चन रिपीट किए, इससे भी ज़्यादा हुए हैं। और इतनी किरकिरी के बाद HSSC और सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पेपर तैयार करने वाली एजेंसी को तलब कर दिया और उसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। हालांकि परीक्षा रद्द हो या ना हो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं है, आयोग इसके बारे में कानूनी राय ले रहा है। क्यों, अपना दिमाग नहीं है? आज तक ऐसा कुछ नहीं पड़ा कि अगर देखो, हाँ जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं यूपी में, बिहार में भी होता है, बहुत जगह होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी, कि वही PYQ क्वेश्चन प्रॉपर वही सेट आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज पेपर हुआ और वही क्वेश्चन कल आ गए। DSSP में भी हुआ था टीचिंग में, कि वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आज पेपर हुआ कल के पेपर में वही आ गए, लेकिन इतने इतने क्वेश्चन नहीं। मंगलवार को दिन भर HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी, आयोग के सचिव, परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठकों का दौर रहा। तमाम मंथन के बाद पेपर तैयार करने वाले एजेंसी को फ़ोन के माध्यम से आयोग ने सामने आने के लिए तलब किया है। और आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पहले एजेंसी को इसके लिए नोटिस जाएगा, उसके बाद नियमों के तहत एजेंसी पर कार्रवाई होगी। कैटेगरी 56 की परीक्षा में एक दिन पहले हुई कैटेगरी 57 के 41 सवालों को हूबहू रिपीट किया गया और विपक्षी दल लगातार सरकार पर इस चीज़ को लेकर हमला बोल रहा है। सरकार पर भड़का विपक्ष, ये देख लो। आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल, CM से करूँगा बात, ये कहते हैं डिप्टी CM। अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तब सुना था वो भाषण। 41 सवाल को दोहराए जाने का मामला गंभीर है या HSSC की क्षमता पर सवाल है? हरियाणा सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है, देगा ही नहीं कोई टिप्पणी जब तक ऊपर से वो खट्टर नहीं बोलेगा ना कि ये करना है वो करना है। कोई बस की नहीं है HSSC आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, नहीं कर सकता इसको। हालांकि दुष्यंत ने परीक्षा में चयनितों को लाभ देने के सवाल पर कहा कि यह आरोप गलत है। पेपर सेट गोपनीयता तरीके से प्राइवेट एजेंसी से कराया जाता है, इससे आयोग का कोई दखल नहीं होता। 41 सवाल दोहराए जाने पर संबंधित एजेंसी को बुलाया है और परीक्षा को लेकर कानूनी राय ली जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। किसी भी परीक्षा में न तो किसी को लाभ दिया है और न ही भेदभाव किया है। 3 दिन के रिमांड पर जींद में पेपर लीक के 3 आरोपी, छोड़ो इसको। फिर भाई जो विपक्ष के नेता हैं हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने कहा कि CET के जंजाल में फंसा दिया है युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद, HPSC और HSSC भंग हो ये हो। सही कह रहे हैं कि आप एक CET के बहाने अपने 2-3 साल नहीं निकाल सकते हैं, ओवर एज हो चुके हैं। घर पे बैठ के तैयारी करें या फिर बाहर जाके काम करें। घर पे बैठ के तैयारी करें तो खाने को कौन लाएगा, बाहर जाके काम करे तो फिर इतना टाइम नहीं होता। 8 से 10 घंटे इंसान जॉब करके आता है तो फिर आके वो पढ़े 8 से 10 घंटे, ऐसा नहीं होता। और आज के अगर मैं बात करूं तो सेल्फ़ डिपेंडेंट होना चाहते हैं सब। और मैं ये नहीं कह रही कि भाई ओवर एज वाले ही काम करें, काम सबको करना चाहिए और करना भी पड़ता है ताकि हम फाइनेंशियली अपने माँ बाप पे या किसी भी तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, एक ये चीज़ है। एक भाई ये है, स्क्रीनिंग टेस्ट में रिपीट हुए 41 सवाल। देखो बार बार वही न्यूज़ घुमाने का, मैं 6 वीडियो बनाऊँ एक ही न्यूज़ पे, कोई तुक्की नहीं बनता है। आपको भी पता है इस चीज़ का, हमें भी पता है कि अगर ये कैंसिल करेंगे तो नोटिस आएगा ऑफिशियली। अभी ये सोच रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, अभी ये सोच रहे हैं कैंसिल करें या ना करें। फिर कह देंगे एक्सपर्ट से राय ली, कानून से ली, एजेंसी को थोपेंगे अब सब कुछ एजेंसी के ऊपर। ऑब्वियसली उनकी गलती है, लेकिन क्या आज से पहले आपके ये काम हुए नहीं या कुछ भी दे देते हैं पेपर में? हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, हर भर्ती। बाकी वही है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ ये, और मेरे को पढ़ना भी नहीं है। पेपर कैंसिल होगा 200% होगा, या तो HSSC खुद करे या तो फिर कोर्ट में जाएगा, तो पेपर तो कैंसिल होगा। ये अपडेट है,
आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।